Okay, today we study the Hartley oscillator. Actually, in the previous class, we already study about the oscillator, what is oscillator and how it is work and what is the properties of oscillators. So, last class में हमने पढ़ा था ना oscillator tank circuit. Tank circuit is a basic circuit of oscillator. तो और फिर हमारे जो इन एक्चुअल में मतलब आइडियल केस में तो हमारे जो सिग्नल वो डैम्प्ड नहीं हो रहे थे ना, सिग्नल जो हमारे थे आइडियल केस में तो हमें यही आउटपुट मिल रहा था, लेकिन इन प्रैक्टिकली क्या सिग्नल हमारे डैम्प्ड हो रहे थे, मतलब देखो ये घटते जा रहे थे, हमें डैम्प्ड सिग्नल मिल रहे थे इन प्रैक्टिकल वे में. तो जब क्योंकि हमें ये प्रैक्टिकल वे में डैम्प्ड सिग्नल मिल रहे थे तो हमें क्या करना पड़ा था, फीडबैक, ताकि हमें डैम्प्ड सिग्नल ना मिले. इसलिए हमने क्या किया था, फीडबैक करके देखा था उसमें ऑसिलेटर में फीडबैक, और कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक. तो ठीक है, देखते हैं. तो फिर कहा था कि अब जो ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे तो वो उसमें क्या होगा, टैंक सर्किट होगा एंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक होगा और एक डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक, लेकिन टैंक सर्किट ही होगा बिकॉज विद द ऑसिलेटर्स हमें अगर ऑसिलेशंस चाहिए तो हमें टैंक सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज टैंक सर्किट इज़ अ बेसिक सर्किट और बेसिक यूनिट ऑफ ऑसिलेटर. देखो यहाँ पर हमारा ये टैंक सर्किट है, ये L है, L1, L2 है, इसका मतलब समझेंगे L1, L2 और C. LC है हमारा ये ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर या टैंक सर्किट जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब ये हमारा LC जो है यही हमारा क्या, ऑसिलेशन देता है और ट्रांसफ़र करता है, और हमें ये आउटपुट में हमें क्या मिलता है, ऑसिलेशंस मिलते हैं. अब क्योंकि हमें पता है कि इन प्रैक्टिकल वेज में क्या होंगे, हमारे सिग्नल डैम्प्ड हो जाते हैं, तो हमें क्या, हमने क्या किया, एक फीडबैक किया, कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक, इसके आउटपुट से इनपुट में दिया किसके, ये वोल्टेज डिवाइडर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है. तो हमने इसमें क्या दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया. पॉजिटिव फीडबैक देने के बाद फिर हमें क्या, देखो इसका फिर ये देखो कलेक्टर से क्या आया, हमारा आउटपुट आया, कलेक्टर का आउटपुट फिर से हमारा किस में फीड किया गया, टैंक सर्किट में फीड किया गया. मतलब ये देखो पॉजिटिव फीडबैक हमारा किस में फीड किया गया, टैंक सर्किट में. तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक हो गया और ये हमारा हो गया क्या, टैंक सर्किट या LC ऑसिलेटर्स. तो हमारा बेसिक सर्किट्स कंप्लीट हो गया, कौन सा, एक LC ऑसिलेटर्स वाला जिससे हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे, और ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक. तो चलो अब आगे देखते हैं. ये तो जैसे हमारी, ये मान लीजिए ये टैंक सर्किट था. अब यहाँ पर ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन. हमने इसके पहले अभी देखा था सेल्फ इंडक्शन, है ना, सेल्फ इंडक्शन देखा था, ठीक है, जिसके थ्रू क्या बैक EMF जनरेट हो रहा था. सेल्फ इंडक्शन मतलब एक कॉइल अपने ही द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही थी, करंट जब चेंज हुआ था तो क्या कहती थी, उसके चेंज का अपोज कर रही थी, करंट चेंज का अपोज कर रही थी. तो मतलब अगर करंट डिक्रीज होगी तो उसे इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज हो रही होगी तो डिक्रीज करेगी. तो लाइक दैट वहाँ पर क्या हो रहा था हमारा, अगर एक सिंगल कॉइल थी, सिंगल कॉइल में क्या हो रहा था, खुद में ही क्या, अगर यहाँ पर पहले प्लस माइनस था तो ये क्या, माइनस प्लस से बैक EMF या इंड्यूस्ड EMF जनरेट कर रहा था. लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉइल है लेकिन हमने इसको क्या किया, सेंटर टैप किया है. सेंटर टैप करने से क्या हो गया, दो कॉइल में डिवाइड हो गया, L1 और L2. तो यहाँ पर जब हम सप्लाई देंगे, यहाँ पर जब सप्लाई आएगी तो L2 के अक्रॉस करंट सप्लाई होगी, फिर क्या होगा, L2 जो L2 होगा, क्योंकि L2 में भी करंट सप्लाई हो रही है, और फिर क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, दोनों पैरेलल में होंगे आपस में, तो देखो फिर क्या होगा, L1 में भी करंट सप्लाई दोनों में होगी, लेकिन L2 में जो करंट सप्लाई हो रही होगी उसकी वजह से L1 में म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, ठीक, और L1 में जो करंट सप्लाई की वजह से L2 में म्यूचुअल इंडक्शन आएगा. मतलब L1 के थ्रू L2 में इंडक्शन आएगा और L2 के थ्रू L1 में इंडक्शन आएगा. तो उसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन. एक कॉइल के द्वारा दूसरी कॉइल में इंडक्शन हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन. और अगर एक कॉइल से सेल्फ में ही इंडक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड या सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, ठीक. तो यहाँ से हमने VCC है, स्विच हम क्लोज करेंगे, VCC सप्लाई हो रही है. अब देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल है, ये क्या करेगा,
रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल क्या है, एक तो क्या है ये, यहाँ हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल में लगा रखा है एक इंडक्टर। इंडक्टर क्या करेगा, हमारे एसी को ब्लॉक करेगा, सिर्फ डीसी को क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, डीसी पास हुआ। डीसी पास होने के बाद ये डीसी क्या जाएगा, अब कैपेसिटर क्या होता है, एसी को पास करता है लेकिन डीसी से क्या होता है, चार्ज होता है। तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर डीसी से चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद फिर डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज के बाद क्या देगा, यहाँ पे हमारा करंट सप्लाई देगा, फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो यहाँ से हमारा इनपुट मिलेगा किसको, टैंक सर्किट को, किसके थ्रू, इस वीसीसी के थ्रू। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट मिलेगा और इसे हमें क्या मिलेगा, हमारा टैंक सर्किट को इनपुट मिलेगा। अब देखिए पी, जो पी है, अब ये जो एल टू है, एल टू से जो इंडक्शन होगा, हमें पता था कि क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस में। L2 के थ्रू इंडक्शन हुआ L1 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ के वोल्टेज और इसमें L2 और L1 के वोल्टेज में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो जाएगा। L2 और L1 के बीच में क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो जाएगा हमारा वोल्टेज सिग्नल्स में, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ फेस शिफ्ट हुआ। अब 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक देना है। अगर ये 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा तो ये तो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तब देखो हमने क्या किया, इसको हमने वोल्टेज डिवाइडर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में सप्लाई दिया है। जब इसमें हमने सप्लाई दिया है तो क्या होगा, इसकी सप्लाई क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री फेस शिफ्ट होता है, इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो देखो अब फिर से जब, अब यहाँ से तो हमारा सिग्नल इनपुट में क्या था, यहाँ पे टैंक सर्किट में ये सिग्नल था, ठीक, और हमारा यहाँ से क्यू में क्या मिला, क्यू में हमें जस्ट 180 डिग्री फेस शिफ्ट। लेकिन जब क्यू को हमने यहाँ पे, जब जो क्यू का सिग्नल है वो इसके एम्पलीफायर के इनपुट में दिया, आउटपुट में फिर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री फेस शिफ्ट, मतलब ये देखो दोनों सेम फेज में हो जाएंगे, दोनों ही फिर से सेम फेज में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फीडबैक भी सेम फेज में और हमारा इनपुट भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी प्लस, यानी पॉजिटिव फीडबैक हमें मिल जाएगा। कहाँ से, हमारे टैंक सर्किट में हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मिल जाएगा। तो हमारी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो पहला हमारा ये टैंक सर्किट, इसमें सबसे पहली बात हमें इसे सेंटर टैप करना होता है, इंडक्टर को, इंडक्टर को सेंटर टैप करना हो ताकि हमें, एक तो हमें क्या क्या मिल सके, 180 डिग्री फेस शिफ्ट मिल सके तभी, और दोबारा 180 फेस शिफ्ट हमारा कौन सा देगा, एम्पलीफायर देगा, तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, इसको हमने सेंटर टैप किया L2 L1 को, और ये कैपेसिटर है ये, फिर हमने इसको क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, कपलिंग कैपेसिटर है जो हमारे डीसी को, डीसी के थ्रू चार्ज होता है और एसी को सप्लाई देता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक। ये आर टू हो गया ना, सी बाईपास कैपेसिटर होता है ये, आर ई इमिटर, आर टू आर वन रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये हमारा, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर सर्किट। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर 180 डिग्री फेस शिफ्ट यहाँ पे होता है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट इनपुट और आउटपुट में होता है हमारे किसके, एम्पलीफायर में। टोटल कितना हो जाता है, 360 का फेस शिफ्ट हो जाता है, और 360 मतलब लौट के फिर वहीं पे, यहाँ से चले और लौट के फिर वहीं, मतलब 360 फेज शिफ्ट मतलब जीरो फेज शिफ्ट, मतलब सेम फेज में दोनों सिग्नल हो जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे होता 180 के फेज में तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, ये माइनस ये प्लस, लेकिन अब क्या है, दोनों प्लस प्लस, तो दोनों प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक क्योंकि हमें बनाना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर हार्टले ऑसिलेटर्स एंड ओके, तो आगे इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। हार्टले ऑसिलेटर्स फॉर आरएफ जनरेशन, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए हार्टले ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेशन मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हार्टले ऑसिलेटर का। हार्टले ऑसिलेटर में दो इंडक्टर L1 L2 को एक कॉमन कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ये हमने देख लिया, तथा इंडक्टर के सेंटर को टैप्ड कर दिया जाता है, ठीक। देख लेते हैं साइज में फिगर, ठीक है, ये L1 L2 और सेंटर टैप कर रखा है। हार्टले ऑसिलेटर में कैपेसिटर सी तथा इंडक्टर L1 L2 मिलकर एक टैंक सर्किट बनाते हैं, यही सर्किट इस ऑसिलेटर से प्राप्त होने वाले ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी निर्धारण करता है। अब देखो जो नॉर्मल हमारा, जो हमने बेसिक टैंक सर्किट देखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती, 1/2π√LC ये होती है, जो हमारा बेसिक टैंक सर्किट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे एल और सी पर डिपेंड करती है, और कैसे f = 1/2πL और C के हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी, L और C हम चेंज
करेंगे तो भाई फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी लाइक दैट। इसमें भी देखो 1/2 पाई अंडर रूट, लेकिन इसमें क्या L1 + L2 और +2m क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसका आपस में इन दोनों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी है, तो m L1 से और m L2 से, तो क्या हो गया 2m, L1 + L2 + 2m, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट इंडक्टेंस L1 + L2 + 2m। यहाँ पे सिर्फ L है लेकिन यहाँ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा L1 + L2 + 2m, दोनों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंडक्शन, इसलिए 2m L1 + L2 + 2m और C, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से ही फिक्स्ड होगी। m क्या है L1 L2 के मध्य म्यूचुअल इंडक्शन। देखो इस सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक प्रदान किया जाता है, कॉमन इमिटर सिग्नल्स को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करता है, कॉमन इमिटर जो है वो सिग्नल्स को क्या करता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। साथ ही L1 L2 एक दूसरे से युग्मित होते हैं तथा ऑटो ट्रांसफार्मर का काम करते हैं, इसलिए पॉइंट पी तथा क्यू के मध्य क्या होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। अतः इनपुट व फीडबैक सिग्नल के बीच कुल फेज शिफ्ट 180 डिग्री +180 डिग्री इसलिए 360 डिग्री, समझाया था ना भाई। इसके इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, इसके पी और क्यू के बीच 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, यहाँ से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यू में आया, जब 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ क्यू में आया फिर क्या होगा यहाँ से फिर 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 360, मतलब दोनों ही पॉजिटिव फीडबैक हो गया, मतलब दोनों ही अब ऐड हो जाएंगे क्योंकि टोटल फीडबैक प्रोसेस कितना हो गया 360 डिग्री का। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ भाई। पहले एक ने सिग्नल हमारा क्या था, पहले हमारा ये सिग्नल था, तो पहले क्या हुआ 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक, ये क्या था पी में था, ये पी में था ना, ये पी में था ऐसा, फिर हमने ये 180 डिग्री शिफ्ट कहाँ मिला क्यू में, तो हमारा सिग्नल क्या हो गया, हमारा सिग्नल जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये कहाँ मिला हमें क्यू में। अब जब ये क्यू मिला तो अगेन कहाँ से, अब देखो 180 डिग्री फेज शिफ्ट फिर कहाँ से होगा, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू 180 डिग्री फेज शिफ्ट एम्पलीफायर के थ्रू, जो हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लगा रखा है उसके थ्रू फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, तो अब क्या मिलेगा देखो, फिर से हमें क्या मिल गया, और ये पी में जाएगा, फिर से हमें पी में फीडबैक क्या मिल गया, फिर से भाई देखो पी का ये फीडबैक पी में दोबारा, ये तो पी का ओरिजिनल सिग्नल था और पी में फीडबैक देखो सेम फेज में, तो दोनों सेम, दोनों क्या हो गया 180 + 180 360, मतलब देखो फिर से वही दोनों अब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 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 ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव 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 ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया पॉजिटिव फीडबैक, मतलब दोनों सिग्नल को ऐड कराओ, हमें यही तो चाहिए था क्योंकि हमें जो हमारा डैम्प्ड हो रहे थे सिग्नल जो हमारे डैम्प्ड हो रहे थे उनको क्या था थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक चाहिए था, तभी तो वो क्या हो जाएंगे सिग्नल हमारा ओरिजिनल सिग्नल बना रहेगा, डैम नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव फीडबैक तो देना होगा, ऐड ही तो करना होगा निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, तो हमें देखो यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल हमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज तो नेक्स्ट देखो RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक अपने माध्यम से केवल DC करंट, क्योंकि देखो इंडक्टर है तो केवल DC करंट पास करेगा, AC को ब्लॉक करेगा, करंट को प्रवाहित होने देती है तथा AC करंट के लिए इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, यह हाई फ्रीक्वेंसी करंट को जाने से रोकता है, मतलब और क्या AC इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल राइट, कपलिंग कैपेसिटर CC DC करंट को टैंक में जाने से रोकता है, जो कपलिंग CC है ये DC को क्या कहता है यहाँ पे DC करंट को टैंक में जाने से, मतलब चार्ज होता है, डायरेक्ट नहीं भेजता है, चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होगा जब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, वॉकिंग जब स्विच S को बंद किया जाता है तो कैपेसिटर सी करंट से चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर सी करंट से चार्ज हो जाता है, जब वह पूरी तरह चार्ज होता है तो इंडक्टर कॉइल L1 व L2 के माध्यम से डिस्चार्ज होने लगता है, एक बार चार्ज हो गया तो ये इंडक्टर ही तो है L1 और L2 जिसके माध्यम से क्या होगा ये डिस्चार्ज होगा। अतः टैंक सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग प्रोसेस निरंतर चलने से L1 L2 C द्वारा बने टैंक सर्किट में ऑसिलेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, जब टैंक सर्किट है तो ऑसिलेशंस होना तो स्वाभाविक है कि टैंक सर्किट है तो ऑसिलेशंस तो मिलेंगे, लेकिन कौन से डैम मिलेंगे, इसलिए तो हम क्या करते हैं पॉजिटिव, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है पॉजिटिव फीडबैक करना पड़ता है। ठीक, L1 के अक्रॉस ऑसिलेशंस को बेस इमिटर जंक्शन में L1 के अक्रॉस जो हमारा ऑसिलेशंस हैं या सिग्नल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि इसी अक्रॉस में क्या 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाले सिग्नल्स मिलेंगे, और L1 के थ्रू हमने किसको दे दिया फिर अपने एम्पलीफायर को दे दिया, इमिटर जंक्शन जो एम्पलीफायर इमिटर जंक्शन पर, ये इमिटर जंक्शन है। ठीक, इमिटर जंक्शन पर क्या किया हमने बेस इमिटर जंक्शन, ये हमारा बेस है और ये हमारा इमिटर है, इमिटर बेस जंक्शन के बीच हमने क्या किया अप्लाई कर दिया इनपुट सिग्नल, यहीं तो अप्लाई किया जाता है कॉमन इमिटर में, इमिटर बेस में तो अप्लाई किया जाता है इनपुट सिग्नल। ठीक है, और यह है ऑक्सीलेशन एम्पलीफाई होकर कलेक्टर भी है, ऑक्सीलेशन एम्पलीफाई होकर कलेक्टर पर मिलता है। ठीक, कलेक्टर प्राप्त होता है, कलेक्टर टर्मिनल पर प्राप्त एनर्जी को L2 द्वारा
L1 तथा L2 के बीच म्यूचुअल इंडक्शन के कारण टैंक सर्किट को वापस करता है। अब यह आएगा तो L2 क्या करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन से L1 को वापस कर देगा, तभी तो हमें सिग्नल्स मिलेंगे। टोटल हमारा यहाँ से सिग्नल्स जब मिलेगा तो वही तो ऐड होगा, तो फाइनल हमें सिग्नल्स वही मिलेगा। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण टैंक सर्किट को वापस कर दिया था। इस प्रकार प्रत्येक साइकिल में लॉस हुई एनर्जी टैंक सर्किट को लगातार प्राप्त होती रहती है तथा स्टेबल ऑक्सीलेशंस प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर थ्योरी एंड हार्टली ऑसिलेटर। ओके, मेन इसमें आपको समझना है, बस इतना ही समझना है। देखो सिंपल सा प्रोसेस, हमें एक टैंक सर्किट डिज़ाइन करना है, टैंक हार्टली ऑक्सीलेटर है, टैंक सर्किट डिज़ाइन किया और L1 और यहाँ पर जो हमें इंडक्टर उसको क्या करना है, सेंटर टैप करना है, L1 L2 में डिवाइड करना है। ये तो बेसिकली हमारा क्या बन गया, टैंक सर्किट बन गया। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, फीडबैक। फीडबैक में हमें कहना है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हमें फीडबैक देना है। तो हमने फीडबैक दे दिया कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, किसमें, एक कॉमन एमिटर में फीडबैक है ना। और बस यहाँ पे एक बस एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल, मतलब एक इंडक्टर लगाना नंबर लिया, यहाँ पे एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर लगा दिया और कलेक्टर के थ्रू हमने क्या कर लिया, आउटपुट मिल गया और फिर किसमें सप्लाई कर दिया, फिर हमने टैंक में सप्लाई कर दिया। कुल मिला के टैंक सर्किट प्लस एक पॉजिटिव फीडबैक और L1 L2 यहाँ पर होते हैं, L1 L2 का हमारा सेंटर टैप होता है और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी। दिस इज द मेन फीचर ऑफ, मतलब जो मेन कंपोनेंट है, एक L1 L2 सेंटर टैप, L1 L2 एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सेल, ये दो जो हैं वो मेन कंपोनेंट है। इनको तो भूलिएगा ही मत, कपलिंग कैपेसिटर यहाँ लगाना मत भूलिएगा, कपलिंग कैपेसिटर भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर, डिस कपलिंग कैपेसिटर एंड यही बाईपास कैपेसिटर कॉमन, और CE क्या है, बाईपास कैपेसिटर। तो बस इतना देख लिया, और मेन क्या है यहाँ पे, सेंटर टैप इंडक्टर एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सेल्स और कपलिंग कैपेसिटर 1, 2 एंड 3, ये तीन तो भूलिएगा ही मत अपने फिगर में। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।